हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही साइंटिफिक लेकिन बहुत ही यूनिक और बहुत ही सोचने वाले कंसेप्ट पर होने वाली है। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना लेकिन बात ही कुछ सोचने वाली है कि यार क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो, और साथ में बहुत ही मजेदार चीज भी हम बनाने वाले। तो भाई सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास में है ये एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि जिसको रोटी फॉइल भी बोलते हैं, सिल्वर फॉइल भी बोलते हैं। ये जो है बेसिकली चीज़ों की पैकेजिंग में काम आती है, और ये जो है बहुत ही पतली शीट होती है, इसमें हम चपाती पैक कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से सिकोड़ देते हैं तो ये काफ़ी छोटी हो जाती है। लेकिन यार इसका जो वजन है वो अभी भी बहुत कम है। लेकिन ये जो है बनी होती है एल्यूमिनियम मेटल से, और एल्यूमिनियम मेटल जो है उसका वजन इतना कम तो नहीं होता जितना कम जो है इसका वजन है। इसका वजन तो बहुत ज़्यादा कम है। तो आज हम एल्यूमिनियम फॉइल को इसके सॉलिड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और बेसिकली बनाएंगे एक एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल, जिसको कि जापानीज पॉलिश्ड बॉल भी बोला जाता है, या फिर जापानीज पॉलिश्ड एल्यूमिनियम फॉइल बॉल भी बोला जाता है। तो आज हम वही बनाने वाले हैं और फिर देखते हैं कि हम कितना क्लोज ओरिजिनल एल्यूमिनियम के पहुँच पाते हैं, और ये भी देखेंगे कि जो बॉल हम बना पाएंगे उसकी डेंसिटी हम कितनी बना पाएंगे। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सिकोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको कूट कूट करके बड़ी बॉल बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिल पाता है, एक्चुअल एल्यूमिनियम बॉल से कितना डिफरेंस रहेगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, और भाई लास्ट में वो जो बॉल होगी जो एल्यूमिनियम फॉइल से बनेगी, जैसी भी होगी, क्या वो चमकेगी या जैसी भी होगी, उसको हम लास्ट में हथौड़े से, बड़े हथौड़े से भी मारेंगे, और फिर देखेंगे कि उसका क्या हाल होगा। शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों सबसे टाइट बॉल बनाने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटी फॉइल के साथ में शुरुआत करूंगा। मैंने इस टुकड़े को काफी छोटा कर दिया है, लेकिन यार अंगूठे से या उंगलियों से या हाथ से दबाने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा मैं इसको नहीं दबा पा रहा। तो यहाँ पर मैं हथौड़े का यूज़ करूँगा और इसको जितना हो सकता है उतना दबाने की कोशिश करूँगा। और गाइस देखो मैंने कितना सा ये जो है टुकड़ा बना दिया है एल्यूमिनियम फॉइल का। देखो ये इतनी सारी फॉइल है, और अब इसका वजन भी जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। इसको गोल सा बनाते हैं और इसके ऊपर और फॉइल लपेटेंगे। फिर तो गाइस फाइनली यहां पर मैंने एक बॉल तैयार कर दी है सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके, इसको ठोक ठोक के, कूट कूट के। और गाइस यार ये जो है बड़े ही कमाल की लग रही है, और यार इसका वेट भी देखो, देखो ये बहुत जल्दी गिर जा रही है, इसका वेट इतना कम नहीं है, यानी कि फॉइल की तरह हल्की नहीं है, इसमें काफ़ी वेट है। अब एग्जैक्टली कितना है तो तोल के पता लगेगा, और इसकी डेंसिटी कितनी है ये भी नाप के ही पता लगेगी। लेकिन यार आप एक बार बॉल को देखो, हमने जो है बॉल बना दी है एल्यूमिनियम फॉइल से। लेकिन अभी जो है एक चीज़ और बाकी है, इसकी थोड़ी सी पॉलिशिंग और कर लेते हैं काफ़ी बारीक सैंड पेपर के साथ में, यानी कि रेगमाल के साथ इसको घिस के, ताकि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाए। तो भाई 1500 नंबर सैंड पेपर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं जो है कुछ इस तरीके से सिंपली इसके ऊपर घिसने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली पॉलिश करने के बाद में अब जो बॉल है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है, और आप लोग देख सकते हो इसकी जो सरफेस फिनिश है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसमें जो है चमक भी आ चुकी है, और अब इसमें जो है खुद का चेहरा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देने लग गया हल्का हल्का। अरे यार गाइस मुझे सच्ची में उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया जो है बॉल बन के तैयार हो जाएगी, और इसमें वेट भी है। तो बिना देरी किए फटाक से इसका करते हैं वजन। मैं इसको मशीन को करता हूँ जीरो, इस पे रख रहा हूँ और देखते हैं इसमें कितना वजन है। गाइस इसके अंदर वजन है 67 grams, यानी कि 67 grams। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 67 grams की ये जापानीज फॉइल बॉल बनी है। ठीक है, तो अब नापते हैं इसकी डेंसिटी की नॉर्मल एल्यूमिनियम से ये कितना अलग है। नॉर्मल एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो लगभग 2.7 grams per cm³ होती है, और इसकी डेंसिटी नापने के लिए हम बेसिक साइंस वाली टेक्निक का यूज़ करेंगे। दोस्तों इसकी वॉल्यूम नापने के लिए हम इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज़ करेंगे। सिंपल टेक्निक है, मैंने इसमें भर रखा है पानी। गाइस जो रीडिंग है वो 400 पर है। मैं बड़े ही ध्यान से इसको झुका करके और इसके अंदर डाल दिया हूँ, और भाई साहब ये पानी में डूब गया है। इसका मतलब है
कि इसकी डेंसिटी 1 से तो ज़्यादा है डेफिनेटली यार, ये मज़ेदार था। और इसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हुई है गाइस 400 से लगभग 450 यहाँ पर हो गई है, 450 से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इसकी वॉल्यूम है। आई थिंक जो वॉल्यूम है वो लगभग लगभग 48 ml के आसपास में बढ़ी है, यानी कि 48 ml इस बॉल की वॉल्यूम है और 67 ग्राम्स इसका वजन है। तो डेंसिटी कैलकुलेट करते हो यार, मैंने नहीं सोचा था कि इतना क्लोज हम पहुंच पाएंगे। दोस्तों डेंसिटी निकालने के लिए सिंपली 67 को 48 से डिवाइड कर देंगे तो आ रहा है 1.395, यानी कि लगभग 1.4 गाइस यार, 1.4 ग्राम पर सीसी की डेंसिटी हम यहां से ले पाए हैं यार गाइज। मुझे सच्ची में यकीन नहीं हो रहा कि इतनी डेंस बॉल हम एल्यूमिनियम फॉइल से बना पाएंगे, और बना चुके हैं इनफैक्ट यार, 1.4 डेंसिटी की बॉल बना चुके हम लोग। देखो देखो ये बॉल जो है एकदम सॉलिड की तरह बिहेव कर रही है अभी, ये देखो। नॉर्मल जो एल्यूमिनियम होता है उसकी डेंसिटी 2.7 होती है, यानी कि हम आधी से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इस बॉल के अंदर अभी भले ही आपको इतनी सॉलिड दिख रही है, लेकिन इसके अंदर अभी भी लगभग आधी जगह तो हवा ही भरी हुई है। सोचो ये इतना सॉलिड है, इतना हैवी है, ऐसे बज भी रही है, बॉल की तरह उछल भी रही है, लेकिन गाइज ये सच है कि इसके अंदर अभी भी आधी तो हवा ही भरी हुई है। जी हाँ, इसके अंदर आधी एयर है अभी भी, और वो हमको इसके डेंसिटी से पता लगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी आधी ही है जो नॉर्मल एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। तो बाकी क्या रह गया, बाकी हवा ही रहेगी, क्योंकि हमने इसको ठोक ठोक के बनाया है, तो बीच में हवा भी ट्रैप होती गई और उतना बढ़िया से जो बॉल है वो सिकुड़ नहीं पाई जैसा ओरिजिनल एल्यूमिनियम में होता है। लेकिन गाइस यार ये भी जो है कहीं से कम नहीं है। अब आता है मज़ेदार पार्ट पर, आप देख लो ऐसी दिखती है बॉल। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर मारेंगे बड़ा हथौड़ा और फिर देखते हैं क्या इसकी शेप बिगड़ेगी या ये ऐसा ही रहेगी, और उसके बाद में एक बार उसकी डेंसिटी भी नाप लेंगे। तो गाइस यहां पर है फॉइल बॉल, नीचे रख दिया मैंने, इस पे मारने वाला हूं हथौड़ा जोर से, इन 3 2 1 गो। और तो भाई साहब एक बार फिर से मार रहा हूं, इन 3 2 1 गो गो। और यार इसकी जो हालत है वो अब आप लोग देख सकते हो, ये जो है पिचक चुका है और वजन तो ऑब्वियसली उतना ही है, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा है ये पता नहीं। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा एक दो चोट और मारी है ताकि ये पतला हो जाए और हमारे इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में घुस सके। तो यहाँ पर मैं इसको डाल लेता हूँ 400 पे था फिर से, और इस बार देखते हैं गाइज क्या फर्क पड़ा है, क्या वॉल्यूम। अरे यार गाइज फर्क यार पड़ा तो है, पर शायद मुश्किल से 1 ml का बस। गाइज 1 ml का ही फर्क पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 काउंट होते हैं एक बार में, तो उतना प्रसाइज ये नहीं जा पाता। तो मैं यही कहूँगा कि या तो कोई चेंज नहीं हुआ, और हुआ है तो शायद 1 या 2 ml का डिफरेंस आया। देखो 1 या 2 ml का डिफरेंस यहाँ पर डेफिनेटली आया है, पहले 450 था लेकिन अब ये 450 से एक स्टेप नीचे चला गया, यानी कि 5 ml का एक स्टेप है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 से 2 ml जो इसकी डेंसिटी है वो और कम हुई है, और डेंसिटी नहीं सॉरी इसकी जो वॉल्यूम है वो और कम हुई है, इसलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी और बढ़ गई होगी, अब वो 1.4 से थोड़ा सा ऊपर चली गई होगी। तो गाइज यार मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस यूनिक से एक्सपेरिमेंट में, पहले बॉल थी लेकिन अब जो है ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा बन चुका है सिर्फ। तो मज़ा आया, अगर आपको तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।